एचवीएसी की टर्म जब भी यूज होती है तो एक टर्म होती है पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर। अब ये पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर है क्या? तो ये इसको आसान शब्दों में समझाते हैं, ये किसी भी रूम के अंदर होने वाले एयर के वॉल्यूम को दर्शाता है। जैसे कि उस रूम के अंदर कितनी हवा डाली जा रही है और कितनी हवा निकाली जा रही है, इसका पता ऐसे लगता है कि जब हम रूम का गेट ओपन करते हैं या रूम के अंदर हम एंटर करते हैं तो वहाँ से एयर बाहर आ रही है या अंदर जा रही है। तो अगर हम एग्जॉस्ट ज़्यादा करते हैं और फ्रेश एयर कम डालते हैं तो उसे नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं, और वहीं हम फ्रेश एयर ज़्यादा डालते हैं और एग्जॉस्ट कम करते हैं तो उसे पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं। कहाँ ये यूज़ होता है? तो जब किचन की वर्किंग होती है, जब टॉयलेट की वर्किंग होती है, तो इन दोनों केस में नेगेटिव प्रेशर मेंटेन किया जाता है, क्योंकि जब भी ये ओपन हो किचन या टॉयलेट तो इनकी स्मेल बाहर नहीं आए, हमेशा अंदर आए, बाहर की एयर हमेशा अंदर जाए। और वैसे ही जब भी हम किसी फार्मा कंपनी की प्लानिंग करते हैं, हम फूड इंडस्ट्री की प्लानिंग करते हैं, तो वहाँ पे बाहर की धूल मिट्टी या बाहर की कोई चीज़ अंदर नहीं आनी चाहिए, अंदर से बाहर जाना चाहिए, तो वहाँ पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, वो पूरी प्लानिंग होती है। अगर आप भी कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री ला रहे हैं जहाँ पे फार्मा की एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर डिफरेंशियल के अकॉर्डिंग प्रेशर मेंटेन करना है, जहाँ पे फूड इंडस्ट्री आ रही है जहाँ पे आपका बाहर का एनवायरनमेंट का एयर अंदर नहीं आना चाहिए, जिससे आपको डस्ट अगर अंदर आती है आपका प्रोडक्ट खराब होता है, या आप कोई टॉयलेट कमर्शियल किचन प्लान कर रहे हैं, कमर्शियल टॉयलेट प्लान कर रहे हैं, होटल हॉस्पिटल की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनकी प्लानिंग करनी है एग्जॉस्ट वेंटिलेशन की, तो अक्रॉस इंजीटेक हमेशा आपके पास है। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मोहित शर्मा, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ अक्रॉस इंजीटेक, आपके पास हमेशा अवेलेबल हूँ।